आप देखेंगे कि रातों रात अगर आपने अच्छा वीडियो बना दिया ना, रातों रात आपके 4000 कंप्लीट हो जाएंगे, और 1000 सब्सक्राइबर तो एक एक दिन में 10000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम बोर्ड पर वीडियो बना रहे हैं, तो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज आपको ये टॉपिक लेकर वीडियो आया है कि कैसे एक दिन में या दो दिन में अपने वॉच टाइम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के पास ये कॉल आता है कि आप एक दिन में अपने 4000 का जो वॉच टाइम है कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, एक दिन में मान लीजिए आपने 5000 या फिर 6000 रुपए देकर आपने अपना वॉच टाइम कंप्लीट तो करा लिया, लेकिन उससे क्या आपको कोई फायदा मिलेगा? देखिए, कम से कम एक वीडियो पर 4-5 मिनट का वीडियो है, कम से कम 3000-4000 व्यूज आते हैं, तब आपको $1 बनता है। तो आप सोचिए, एक दिन में अपने चैनल को आप मोनेटाइज कर भी लेंगे अगर आपकी वीडियो में व्यूज ही नहीं आया। और यूट्यूब इतना तो है, दिमागदार है कि कैसे इन्होंने ऐसा क्या वीडियो डाला कि इन्होंने, मतलब इनके वीडियो इतना जल्दी चैनल बनाते ही वायरल हो गया कि इनका वीडियो मतलब इतना ऊपर चला गया कि एक दो दिन में ही इनका 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। तो इतना तो यूट्यूब समझदार है ही है, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कहीं से पैसे दे करके अपने वॉच टाइम को कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से अगर ऐसा करेंगे आप, तो आपका चैनल समझ लीजिए पूरी तरीके से डेड है, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। उसके बावजूद आपको मतलब मेहनत करने पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। आप पता नहीं वो यूट्यूब आपके वीडियो को इम्प्रेस करेगा, भगाएगा कभी कि नहीं। तो इसलिए खुद मेहनत करिए और अपने वॉच टाइम को एक दिन में आप बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में, मतलब इतना फास्ट। अगर आप जैसे आपको अब आप कहेंगे कैसे पूरा हो जाएगा, उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ेगा। ट्रेंडिंग टॉपिक आप समझ रहे हैं कैसा होता है ट्रेंडिंग टॉपिक, वो टॉपिक जो आपके YT स्टूडियो में आपका YT स्टूडियो बता रहा है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो आप 100% आपका वीडियो चलेगा, तो उस टॉपिक पर वीडियो आपको बनाना है। तो आप कहेंगे कैसे, हमको कहाँ से पता चलेगा कि हमारे जो YT स्टूडियो में हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और अपने चैनल पर वैसा ही सुधार करिएगा। तो चलिए बताते हैं कि कहाँ है ट्रेंडिंग टॉपिक आपके YT स्टूडियो में। वो है, आपको अपने YT स्टूडियो में चेक करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी वीडियो हमको डालने से हमारे चैनल पे ग्रो होगा, हमारा चैनल यानी हमारी वीडियो वायरल होगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है, कैसे सारी चीजें आपको समझाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिएगा। तो देखिए, चलते हैं अपने YT स्टूडियो में और अपने YT स्टूडियो को ओपन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखिए आपका डेस्कटॉप बोर्ड खुलता है, उसके बाद आपका कंटेंट रहता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे रहता है आपका एनालिटिक। एनालिटिक जो आपको बताता है कि आपकी वीडियो कैसे चल रही है, 48 घंटे में आपके वीडियो में कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या चीज होता है, सारी चीजें आपका एनालिटिक बताता है। तो देखिए, वहीं पर सबसे चौथे नंबर पे लिखा है ऑडियंस, AUDI, और ये देखिए बहुत सारी माताएं बहने, नहीं इंग्लिश आता है इसलिए हम ये बोल रहे हैं, तो ऑडियंस पर आप टच करिएगा। तो देखिए, ऑडियंस पर आप जब टच करेंगे तो देखिए, पहले तो आपका रिटर्निंग व्यू आता है कि रेगुलर आपके चैनल पे जो आपकी रोज वीडियो देखते हैं वो कितने परसेंट देख रहे हैं, फिर कौन कौन है ऊपर, मतलब जो ऊपर तीर दिख रहा है वो है हमारे जो रेगुलर के व्यूअर हैं, और जो ये मतलब नीला कलर का है ये हमारे नए व्यूअर है, नए मतलब जो नए हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो नए हैं। तो उसके बाद और नीचे करते जाएंगे, तो देखिए सबसे नीचे कर दीजिएगा। सबसे नीचे करने के बाद देखिए, आपको वीडियोज, शॉर्ट, लाइव, 3 ऑप्शंस मिलेंगे, और उसके ऊपर लिखा है देखिए फॉर्मेट योर व्यू वॉच ऑन यूट्यूब की, मतलब कौन कौन सी वीडियो है जो आपको इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो इसी पर आपको टच कर देना है, इसी पे आपको टच करना है। तो देखिए, सबसे नीचे आपको लिख कर आएगा व्यू, काला कलर का लाइनिंग रहेगा, व्यू लिखा है, तो उस व्यू पर टच कर दीजिएगा। और इस व्यू पर टच करने के बाद देखिए, यहाँ पर दिया है कि लॉन्ग वीडियो, भी वीडियो पर टच करेंगे तो लॉन्ग वीडियो समझ आएगी, और शॉर्ट पर करेंगे शॉर्ट, और लाइव पे करेंगे तो लाइव। अभी ये आल पे है तो शॉर्ट लॉन्ग सभी दिख रहे हैं, तो एक एक चीजें हम समझते हैं। तो अपने वीडियो पर टच करते हैं और वीडियो पे देखिए, यही हमारी लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है जो कि देखिए हम भौजाई बिगड़ गई, ननद झेलनी, ऐसे करके मतलब कोई कॉमेडी है, ये चल रहा है हमारे चैनल पे। आपका जिस कैटेगरी का मतलब चैनल है आपके चैनल पे चलेगा, ये नहीं कि जो मेरे में दिख रहा है वही आप में दिखेगा, ऐसा नहीं। ये मेरा लोकगीत का चैनल है तो इसमें इसमें गीत दिखेंगे और कुछ कॉमेडी देहाती गीत दिखेंगे, क्योंकि ये देहाती से रिलेटेड है। आपका जिस कैटेगरी का हो, चाहे कॉमेडी से हो कॉमेडी का, ब्लॉग का हो तो ब्लॉग दिखेगा वहाँ पे जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, और जिसका भी जिस कैटेगरी का होगा आपको वहाँ दिखता होगा कि इस कैटेगरी के लोग, मतलब आप इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी के लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो कि वायरल चल रहे हैं। तो आपको इन सब की अवरेज देखिए, देवरानी जेठानी कॉमेडी झगड़ा जो कि नाच मतलब सोहर गीत है, कुछ भी गाया है इन्होंने, तो देखिए। और एक नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दर्द भरा गीत लिखा है, तो फिर ये भी, और एक है
पिया लागल बा नौ महीना एक ये भी है। तो आप समझ रहे हैं ये तुम्हारे लॉन्ग वीडियो हो गए, तो आपको भी अपने चैनल पर जाना है ऐसे चेक करना है अपनी लॉन्ग वीडियो को, तो देखिएगा कौन सी लॉन्ग वीडियो है जिस पर हम भी गीत गाएं, हम भी वैसे ही वीडियो बनाएं ताकि हमारा वीडियो अच्छा चले। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, आपको शॉर्ट पर टच करना है। शॉर्ट पर टच करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर कान्हा के लिए बताओ नाना और ये बहुत सारी शॉर्ट वीडियो आपको मिलेंगी। इसी पर आप टच भी कर देंगे ना, इसी पर आप टच कर देंगे देखिए आपका वो गाना भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस तरीके से आप इसी पर टच करके वो वीडियो देख लीजिए कि कौन कौन सी वीडियो है, किस टाइप की वीडियो है। देखिए सेम कॉपी तो ना करिए लेकिन कम से कम उसी टाइप की वीडियो को बनाने की कोशिश तो करिए ताकि आपका वीडियो मतलब आपका चैनल भी ग्रो हो, आपकी वीडियो में व्यूज आए, क्योंकि इन सब इस टाइप की वीडियो से व्यूज आ रहा है जो कि आपके YT स्टूडियो बता रहा है आपको कि इसी टाइप की वीडियो आप बनाएंगे तभी आपके चैनल पे व्यूज आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो। देखिए इसके बाद अपने लाइव को भी आप टच कर दीजिए। अब लाइव पे टच करिए देखिए ये कौन है लाइव में, देखिए चलाए हैं जो कि 3 दिन में 4 दिन में उनके लाइव में 1 लाख 2 लाख या 3 लाख या फिर 1000 2000 लोग जुड़ रहे हैं उनके लाइव में, तो किस टाइम आ रहे हैं ये लाइव और कैसे आ रहे हैं ये सारी चीज़ें देखिए समझिए। आप भी अपने चैनल पे सुधार करिए, तो इस तरीके से आप वीडियो बनाएंगे तो आपके चैनल पे 100% व्यूज आएगा। और जब देखिए वीडियो को कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आपका वीडियो वायरल हो सकता है, आपकी वीडियो का कोई सीमा नहीं है कि कब आपका वीडियो वायरल हो जाए। वीडियो का क्या होता है आप डालते जाइए कंटिन्यू काम करते जाइए अपने तरीके से। सोचिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन हाँ अपने YT स्टूडियो को देखते हुए और अदर लोगों की वीडियो देखते हुए जो आपके कैटेगरी के लोग हैं उनकी वीडियो को देखते हुए अपने चैनल पे सुधार करेंगे आप काम करेंगे तो देखिए एक ना एक दिन आपका वीडियो भी जरूर जाएगा। क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी अनुभव किया है, इस चीज़ को हम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा वीडियो बनाने मतलब हम वीडियो जब से बना रहे हैं लगभग 2.5 साल हो गए हमारे वीडियो बनाते हुए, तो देखिए तब से अब तक का अनुभव बता रहे हैं। हमें भी कभी यकीन नहीं था कि हमारे चैनल पे भी कभी व्यूज आता है, इतना व्यूज आएगा जितना अब आ रहा है। लेकिन सोचते थे कभी कि हमारे जो वीडियो है उस पर डे कभी 1000 व्यूज आएंगे कि नहीं, लॉन्ग पे तो कभी नहीं सोचते थे, शॉर्ट पे सोचते थे कि हमारे शॉर्ट वीडियो पे कभी व्यूज आ जाए 1000 2000। लेकिन अब क्या होता है, अब आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पर डे कंटिन्यू काम करते हैं और उसके बाद जो हमारा YT स्टूडियो बताता है उस हिसाब से काम करते हैं। देखिए चैनल क्या है ना, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, ऐसा होता है चैनल। ये नहीं कि आपका कंटिन्यू परमानेंट आपका चैनल चलता ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका चैनल कभी डाउन होता है, कभी बहुत तेज ग्रो होगा, कभी बहुत इतना स्लो हो जाएगा कि आपका वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप सुधार करिए अपने चैनल पर और उसके बाद अपने वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि रातों रात अगर आपने अच्छा वीडियो बना दिया ना, रातों रात आपके 4000 कंप्लीट हो जाएंगे और 1000 सब्सक्राइबर तो एक एक दिन में 10-10 हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। मेरा खुद ये 2000-3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है एक दिन में। सुबह देखते हैं कि 5000 है तो मतलब सुबह देखते 5000 तो शाम को 6000 या फिर शाम को देखते हैं 6600 है तो सुबह देखते हैं 7000 हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप भी अपने चैनल पे सुधार करेंगे। ऐसे पैसे देकर अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करा लेना कोई बड़काई नहीं है, सब आपका बेकार हो जाएगा, चैनल आपका पैसा भी मतलब डूब जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप YT स्टूडियो के हिसाब से काम करिए, अपने कैटेगरी के लोगों की वीडियो को देख कर काम करिए, तो आप एक ना एक दिन जरूर आगे होंगे और आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप सबको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।